तो हेलो दोस्तों, मैं काजी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो कि विद्या बोल के जाना जाता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड और टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए एंड आने वाले वीडियोज़ जो आती रहेगी उसका मज़े लीजिए। हम लोग एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी कम्युनिकेटर है, जो कि अपनी बातों को काफ़ी सिंपल तरीके से, काफ़ी डाउन टू अर्थ सिंपल तरीके से अपनी बातें को रखती है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होती है। मैं भी उसके वीडियोस देखता हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने सोचा कि क्यों ना संजय भाई का जो इंटरेस्टिंग टेक चैनल चलाते हैं उसका क्यों ना हम लोग इंटरव्यू लें। आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं संजय भाई की, जो इंटरेस्टिंग टेक चैनल चलाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की और आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। संजय भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ वो है कि आपका जो डेली एक्टिविटीज़ है, आप सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं, ये अपने व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स को भी बताइए कि आपका डेली एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक्स मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए और अपने चैनल का हिस्सा बनाने के लिए। और मेरी डेली लाइफ एक्टिविटी का अगर मैं बात करूं तो मैंने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल की हुई है गूगल टास्क के नाम से। मेरे जितने भी टास्क रहते हैं एक दिन में मैं सभी लिख लेता हूँ, और जब होते रहते हैं तो फिर मैं टिक लगा कर उसे साइड करता रहता हूँ। तो ऐसा ही कुछ है। और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो स्टडी, यूट्यूब और कुछ बिजनेस में इंटरेस्टिंग है, तो वो सब मैं करता रहता हूँ। तो यही है मेरी डेली लाइफ एक्टिविटी। और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मे बी आपके व्यूअर्स, आपके फॉलोअर्स भी जो है वो भी जानना चाहते हैं। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ वो है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? तो यार ऐसे मत कहो, मेरे दर्द को मत छेड़ो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट आंसर, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ संजय भाई वो है कि जैसे मैं आपका वीडियोस देखता हूँ, मेरे को पर्सनली आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिंपल तरीके से आप रखते हैं अपने वीडियोस को, काफ़ी सिंपल वे से बनाते हैं, सिंपल तरीके से अपनी बातों को रखते हैं एंड जो व्यूअर्स है, जो फॉलोअर्स है, उसको काफ़ी अच्छी समझ में आती है आपकी वीडियोस, राइट? मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है, मेरे को नहीं पता कि ये क्वेश्चन पूछनी मेरे को पूछनी चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर अलग गलत वीडियोस बना के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर बन जाते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं, इतने सिंपल तरीके से अपने बातें को रखते हैं, इतने क्लियर ट्रू बातें आप रखते हैं। क्या YouTube एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आपके वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम है। क्या YouTube वीडियोस एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम है कि आपके सब्सक्राइबर इतने कम हैं? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि YouTube की गलती है, मेरी ये किस्मत ही ऐसी है, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि 99% आपका हार्डवर्क हो सकता है और 1% भी आपका लक हो सकता है, और जब तक वो 1% लक साथ ना दे, 99% वाला हार्डवर्क काम नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जब भी आप किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, आपने 99% मेहनत कर ली और आपको पता लगेगा कि 1% वाला लक की हवा आई और आपको गिराकर फिर से चली गई, तो ये होता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लक की यार थोड़ी कमी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ वो है, सपोज मेरे चैनल एडुकेशन से रिलेटेड है, राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या यूट्यूब एक अच्छी प्लेटफॉर्म है एडुकेशन के लिए? या मेरे हिसाब से बिल्कुल YouTube बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, और YouTube ही बिल्कुल अकेला ही ऐसा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के हिसाब से। अगर वीडियो के हिसाब से हम बात करें, वीडियो फॉर्मेट में YouTube एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी देख सकते हैं और दुनिया भर का कंटेंट है। वैसे कहने के तो अब Instagram का भी आ चुका है, Facebook भी वीडियो प्लेटफॉर्म काफ़ी वीडियोज़ पर काम कर रहा है, बट YouTube इज़ दी ओनली वीडियो प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम एजुकेशन से रिलेटेड कुछ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से YouTube बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म।
सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाली है वो है कि आपके लिए एज ए कैरियर कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैरियर एज ए यूट्यूब, कैरियर एज ए बिजनेस और कैरियर एज ए कॉरपोरेट। सो आपको मैं तीनों जो ऑप्शन है मैं आपको ये ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, आप ये दोनों में से तीनों में से आप कोई दो चूज़ कीजिए जिसको जिसमें आपका आपको इंटरेस्ट लगती है, अपने कैरियर इंटरेस्ट लगती है। तो मेरे लिए तो भाई कॉर्पोरेट बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, पहले ही मेरा विज़न सब कुछ क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है, तो मेरे लिए बिजनेस और यूट्यूब, मैं इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो यही है, कॉर्पोरेट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सो अगर जो सब्सक्राइबर है आपका, जो मेरे सब्सक्राइबर है, अगर कोई भी यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहता है, सो आपको आप क्या सजेस्ट करेंगे उसको, व्यूअर्स है उसको क्या आप सजेस्ट करेंगे एज करियर एज ए यूट्यूबर? मुझे लगता है आपने गलत बंदे से ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैं खुद अभी तक यूट्यूब पर अपना करियर नहीं बना पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड रह सकता हूँ या कुछ भी, तो गलत क्वेश्चन है। बट अगर हम जनरली बात करें तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारा पैशंस, पेशेंस और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग लगाना होगा, और जो कंटेंट की नीड है उसे आइडेंटिफाई करके वैसा कंटेंट देना होगा, और बिल्कुल एक्टिव रहना होगा, हर दिन रेगुलर वीडियोस, तो बहुत कुछ करना होगा, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप करियर बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जानते हैं जैसे मैं विद्या चैनल चलाता हूँ, सो कुछ आप व्यूज़ देना चाहते हैं मेरे चैनल को, मेरे चैनल के बारे में कुछ आप व्यूज़ देना चाहते हैं? काफ़ी अच्छी लगेगी आप अगर अपना व्यूज़ रखते हैं मेरे चैनल के बारे में। और बिल्कुल भाई, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही कम चैनल हैं जो एजुकेशन वीडियोस देते हैं अच्छे से, बाकी तो वैसे ही बकवास करते रहते हैं, और YouTube को उन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया, लेकिन YouTube जाना जाता है अपने ऐसे ही कंटेंट के लिए जैसा कंटेंट आप बनाते हैं, आप लोगों को एजुकेट करते हैं, और इसी एजुकेशन की ज़रूरत है आज हमारे देश में, तो आई होप आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे और हम सबको एजुकेट करते रहेंगे। तो ये था कुछ क्वेश्चन आंसर सीजन जो मैं सोचा कि इंटरेस्टिंग टेक जो चैनल चलाते हैं संजय भाई उसके ऊपर मैं ये इंटरव्यू करूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छे लगने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, खुदा हाफिज़।